सो गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। एसबीआई क्लर्क का फॉर्म आपने बिल्कुल फिल किया ही होगा और अब जो इंतजार है वो है इसके एग्जाम के डेट का, और समय समय पर आप कुछ ना कुछ अपडेट देख रहे होंगे। लेकिन फाइनल जो हमारे मन में डाउट रहता है कि एसबीआई क्लर्क का आखिर एग्जाम प्रीलिम्स का कब होगा। देखो, एसबीआई क्लरिकल का जो एग्जाम होना होता है वो आपको एग्जाम के लगभग ठीक 20 से 25 दिनों के बाद होता है, और अब ये एग्जाम जो है वो आयोन डिजिटल में होगा, राइट? अब जो वहां से इंफॉर्मेशन निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि आखिर जनवरी में एग्जाम अगर है एसबीआई क्लरिकल का तो वो कब होगा। देखो, जो डेट है ना वो जनवरी के फर्स्ट वीक का आपका बुक है एग्जाम होने का, राइट? और अगर जनवरी के फर्स्ट वीक का एग्जाम बुक है तो मतलब आप ये समझो कि आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो 15 डेज बचा है एग्जाम में। तो 15 डेज में आप कैसे प्रिपरेशन करो ताकि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप अपना स्पेस बना लेते हो तो आपके पास बस और बस मेंस का बनता है। जो मेंस अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो बात को कि कैसे बस और बस आपको प्रीलिम्स पे अभी फोकस करना है। प्रीलिम्स अगर आपका निकला तो आपका सिलेक्शन डन होता है, क्योंकि बस आपको मेंस क्लियर करना होता है। और जो मैं आप लोगों को डेट बता रहा हूं ये बहुत परफेक्ट डेट है। क्या मैंने आपको डेट बताया कि जनवरी के फर्स्ट वीक का आपका आयोन डिजिटल में फिक्स है जिसमें एग्जाम होना है एसबीआई क्लर्क का, राइट? तो ये डेट याद रखना और लग जाना अपने एग्जाम के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, और इसी के बाद आपका स्टेप है मेंस का।